सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर में लगभग होना है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके पास तो लगभग 5.5 महीने आपके पास में हैं। लेकिन सीजीएल के एग्ज़ाम्स में आपको कुछ ऐसा करना होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मेरिट का स्तर कितना ऊँचा जाता जा रहा है, उस स्तर को आप छू सकें, उस स्तर तक आप पहुँच सकें, आपको इतनी मेहनत करनी होगी। यानी कि लगभग आपको इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो आपको दूसरों से अलग करेगा, क्योंकि प्री में भी इंग्लिश है और मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश है। यस दोस्तों, और ये एक भाषा है, मोस्टली स्टूडेंट्स की मैथ बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश जल्दी से अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि एक लैंग्वेज है। यहाँ इंग्लिश में 45+ और मेंस में आपको 190+ लाने हैं 200 में से। अगर आपने इतना मार्क्स अटेंड कर लिया, अचीव कर लिया, तो डेफिनेटली आपकी ये स्ट्रेटेजी, मेरी जो स्ट्रेटेजी आपकी काम कर जाएगी। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है, जरा उस पर बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड कराया है, मतलब आपको कितना कुछ करना है, पहले इसको समझिएगा ध्यान से, फिर हम लोग क्या देने वाले हैं, फिर उसको समझिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं हम लोग बात की तरफ अपनी। देखिए दोस्तों, प्री की तैयारी आप जो भी करें, पहले मन में अपना ये बना के चले कि मुझे इसमें मेंस भी साथ साथ लेकर चलना है। अगर आप प्री में ही मेंस को पर्पस बना के चलेंगे तो इंग्लिश आपका यहाँ पर ऑलरेडी तैयार हो चुका होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग अपनी ग्रामर पर खूब अच्छी वाली पकड़ बनाइएगा। टॉपिक वाइज ग्रामर पढ़िएगा, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन। लेकिन बहुत सारे बच्चे एक कमी कर देते हैं कि वो प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और फिर क्या होता है बच्चों, कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम्स आने तक आपके जो रूल्स हैं दिमाग से स्किप हो जाते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो की नहीं थी उन रूल्स की, उन रूल्स को आपने अप्लाई करना नहीं सीखा था। तो जितनी ज़्यादा बुक्स में से हो सकती है, उतनी ज़्यादा बुक्स में से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यस, उसके बाद यहाँ पर आप लगाइएगा किरण, किरण 16,000+ आपको लगानी है कंफर्म। उसके बाद आप यहाँ पर लगाइएगा MB, और चाहे तो MB ना लगा करके आप लोग प्रीवियस ईयर सेट लगाइएगा, जैसे कि जो हमने आपको प्रोवाइड कराया है 130 सेट आपको प्री के देंगे और लगभग 15 सेट मेंस के। तो ये सब कुछ आपको करना है, इससे आपका 45+ मार्क्स आ जाएगा प्री में। अगर आप चाहें तो प्री से पहले आप इसको स्किप कर सकते हैं फिलहाल, यानी कि प्री से पहले आप इसको ना करें, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं। लेकिन हालांकि इतना मटेरियल बहुत आराम से हो जाएगा प्री तक, क्योंकि आपके पास 5.5 महीने हैं। लगभग 15 दिनों में मैं ये पूरी ग्रामर आपकी कंप्लीट कराता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें प्रैक्टिस भी रहेगी, 5 बुक से, परफेक्ट, मिरर, SP बक्सी, KD कैंपस, क्रिस्टोफर फर्निस्टर, 5 बुक से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रहेगा। फिर किरण 16,000 हम लोग आपकी कंप्लीट करते हैं सिर्फ 2 महीने में, क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्डेड बेस हमारे पास ऑलरेडी है, आपको हमारे स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, 2 महीने में आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसमें 130 सेट MB के, SSC प्री के और 15 सेट मेंस के। तो ये सब कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड होने वाला है अपने घर बैठे, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, और बहुत ही कम चार्जेस में। ओके दोस्तों, अगर आपको किसी भी, या फिर आपको अलग अलग से इंडिविजुअल कोर्स लेना हो, खाली ये लेना हो, खाली ये लेना हो, या खाली ये लेना हो, तो आप ये भी ले सकते हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8279738238 पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना कम से कम आपको करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि बात मेंस तक पहुँचानी है। आज मेरिट का जो स्तर आप देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ करना पड़ सकता है, क्योंकि इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने वो भी दौर देखा है जब 200 में से 150 नंबर के लिए बच्चे मेरे पास कोचिंग के लिए आया करते थे कि सर 150 लगवा दीजिएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आज वो भी दौर आ चुका है कि 190 पर भी आप सेफ नहीं हैं। ये दोस्तों, तो कितना लेवल बढ़ा है आप खुद समझ सकते हैं। इससे पहले जब 2013 में मैं तैयारी करा रहा था बच्चों को ऑफलाइन, तो 130-140 तक आपका सिलेक्शन हो जाता था 200 में से। सो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों आपके लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करना अपनी, जितना अच्छा इम्प्रूव करेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलने वाला है मेंस में। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।